अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। हानिया स्कूल चली गई थी तो ये उसने नाश्ता बाकी छोड़ दिया है। अब मैं को वापस रख के थोड़ी बहुत चीज़ें समेटूँगी। हाँ जी, तो अब 10 बज गए थे और ये मेरा छोटा शहजादा भी उठ गया था। हसन, हसन ये देखो। तिंदिका नोज आइस। बहुत शरारती है ये, बहुत ही तंग करता है। आज हमने बनाए थे भरवे टींडे जो मेरी देवरानी ने बनाए थे और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने। अच्छा, तो सबसे पहले इनको हल्का हल्का पील कर लें, उसके बाद कोई भी छुरी की मदद से ना, तो इसका जो टिप है ना उसमें थोड़ा सा वो सुराख करके उसको निकाल के उसके अंदर से आपने सारे बीज वगैरह ना निकालने हैं। इधर तो हम छुरी का यूज़ कर रहे थे, लेकिन आप अंदर से निकालने के लिए छुरी का ना यूज़ कीजिएगा। कोई भी छोटा सा स्पून जो जैसे गुलाई में चीज़ होती है ना उससे निकालिएगा। ये जो मटेरियल हम निकाल रहे हैं ना इसको आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि हमने इसको मसाले के अंदर डालना है। क्योंकि छुरी से इसका जो बाहर होल था ना वो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था, हमने ज़्यादा बड़ा नहीं करना क्योंकि फिर वो मसाला जो है ना वो ज़्यादा बाहर आ जाएगा। जब तक सोनिया काट रही थी तो मैंने सोचा मैं आटा गूंद लूँ। आटे को गूंद के मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ ताकि फिर जब दोबारा गूंदो थोड़ी देर बाद तो फिर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे से गूंद जाता है। आटे को थोड़ा सा रेस्ट दे के मैंने फिर किचन साफ कर लिया, सारे बर्तन धो के रख लिए, क्योंकि बर्तन धोना तो हमारा फेवरेट। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. प्याज है वो चॉपर में चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं भी है तो प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक जो छोटे छोटे होते हैं ना उस तरह से काट लें। ये जो हम मसाला बनाएंगे ना ये ही टिंडों में भी डलेगा और इसी की ग्रेवी भी बनेगी। किचन में काम करना एक चैलेंज होता है नन्हे मुन्नों के साथ। ये लोग बहुत तंग करते हैं, कभी किसी को गोद में, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। फ्लेम ऑन कर लेते हैं तो हम अब पकाना शुरू करते हैं। ऑयल में प्याज को फ्राई करना है और साथ हरी मिर्चें काट के डाल दें। इसी के साथ ही हमने ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया भी डाला था, लेकिन वो ना रिकॉर्ड नहीं हो सका या फिर पता नहीं किधर चला गया, तो वो भी आप लोग इसके साथ ही डाल के ना इसको अच्छी तरह भून लेना। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भून लें। जब ये अच्छे से भून जाए तो फिर इसमें टमाटर जो है चॉप करके डाल दें। हम चॉप नहीं कर सके थे, हमारी लाइट चली गई थी, तो इस तरह हमने फिर छोटे छोटे काट के ना फिर डाल दिए और फिर इसको अच्छे से भून लें। और अब जो टिंडों के अंदर से हमने सारा मटेरियल निकाला था, उसके बीज वगैरह सारा कुछ वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको हिला के फिर इसमें मसाले डालने की बारी आ जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने डाला था नमक। आप हर चीज़ अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी क्वांटिटी होगी। के बाद लाल मिर्च डाल लें, साथ हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा चाट मसाला। हमने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी, वो आपने डालनी है तो डाल लें अगर आप स्पाइसी खाते हैं, अगर नॉर्मल खाते हैं फिर बेशक रहने दीजिए। अब अच्छे से इसको मिक्स कर दें, थोड़ी देर बस पकने के बाद फिर ये रेडी हो जाएगा।
और यहाँ हमारे सारे टींडे भी रेडी हैं जिनको अब हम भरेंगे। और याद रखना कि सारा मिक्सचर नहीं इसमें भरना, आधा बचा लेना क्योंकि इसी की हम ग्रेवी बनाएंगे। देखिए अब ये सारे रेडी हो गए हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, कलर इनके कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब इनको फ्राई करने का टाइम है, हमारी गैस चली गई थी तो अब हम दूसरे किचन में सिलेंडर पे अब इसको। जब एक साइड से ये फ्राई हो जाए तो इन सब की साइड चेंज कर दें ताकि दूसरी तरफ से भी ये फ्राई हो जाए। अब जो मसाला बच गया था उसमें आपने सारे टींडे डाल देने हैं और ऊपर से हरा धनिया डाल देना है और साथ ही गरम मसाला भी डाल के उसको हल्की आंच पर ढक के पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दे। तकरीबन 7 से 10 मिनट आपने रखना है, उसके बाद देख लेना है अगर वो पक गए हों, मतलब गल गए हों अच्छे से टींडे, तो फिर आपका ये सारा रेडी है। और देखें ये हमारा रेडी हो चुका है और ये कितना मज़े का लग रहा है। और इसको हमने डिश आउट कर लिया है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि कल क्या पकाना है तो मेरे कहने पर ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये है हमारे घर के मंकीज, इनका बस यही चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं तो कभी कहीं। साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली थी तो हमारा दोपहर का काम ख़त्म हो गया था। और जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो ये लोग कमरे में ये काम कर रहे होते हैं, ये हमारा और काम बढ़ा रहे होते हैं और इस तरह हमारा कभी कोई काम ख़त्म नहीं होता। हसन क्या कर रहे हो? इन दोनों की बहुत लड़ाई होती है लेकिन कभी कभी इनको प्यार भी बहुत आ जाता है एक दूसरे पे। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।